हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करें इम्यूनोलॉजी टॉपिक के क्वेश्चंस, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट बायोटेक्नोलॉजी, कि जिसमें आज हम टॉपिक देख रहे हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स। अभी इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट, टी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, करेक्ट, टी सेल्स एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये करेक्ट है। सेकेंड, फॉरिन पेप्टाइड्स आर नॉट प्रेजेंटेड टू द टी हेल्पर सेल्स बाय क्लास टू एमएचसी प्रोटीन्स, फॉरिन पेप्टाइड्स को प्रेजेंट किया जाता है, सो क्यू इनकरेक्ट है। आर डेंड्रिटिक सेल्स आर रेफर टू एज प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग, करेक्ट है, तो ये तो हमने क्लास में ही डिस्कस किया है, तो पी एंड आर करेक्ट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि टी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से एक्टिवेट होते हैं, करेक्ट है, एंड डेंड्रिटिक सेल्स आर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दे आर ऑल्सो करेक्ट। देन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, कि ह्यूमन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कौन से कंडीशंस प्रमोट करते हैं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। देखिए फर्स्ट, इनएबिलिटी ऑफ टू इलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स, करेक्ट है, अगर सेल्फ रिएक्टिव इम्यूनोसाइट्स अगर हम इलिमिनेट ही ना करें, वो एपोप्टोसिस में ही ना जाए, तो वहाँ पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो डिफेक्टिव बी सेल टी सेल्स अगर बॉडी में वैसे ही रहे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कॉज होते। सेकेंड, जनरेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, करेक्ट है, जनरेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी। थर्ड, एबिलिटी टू इलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स, अगर एबिलिटी है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं होंगे, तो आर इज इनकरेक्ट। इंडक्शन ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स इन थाइमस, नो, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, सो सी ऑप्शन पी क्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, द जीनोम इज डिप्लॉयड एट द एंड विच फेजेस ऑफ ह्यूमन माइटोटिक सेल साइकिल, की कौन से फेज में जीनोम डिप्लॉयड होता है, सो जीनोम इज डिप्लॉयड इन द फेज ऑफ जी वन एंड एम, इस फेज में जीनोम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। देन नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एंटीजन एक्टिवेटेड इफेक्टर टी सेल्स, कि एंटीजन एक्टिवेटेड इफेक्टर टी सेल्स में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, so here p q and s, so p, cd4 cells make contact with macrophages and stimulate microbicidal activity, so cd4 cells contact macrophages and stimulate microbicidal activity, correct, q, cd4 cells make contact with the b cells and stimulate them to differentiate into plasma cells, correct, cd8 plus cells make contact with the b cells, no, r is incorrect, एंड सी डी एट प्लस सेल्स में कॉन्टेक्ट टू वायरस इम्यूनिटी सेल्स, करेक्ट, तो पी क्यू एस इज द करेक्ट। तो ये भी तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन फिफ्थ, न्यूनेटली थाइमेक्टोमाइज माउस, सो न्यूनेटली थाइमेक्टोमाइज माउस इम्यूनाइज विद द प्रोटीन एंटीजन शोज, कि अगर न्यूनेटली थाइमेक्टोमाइज माइस से अगर इम्यूनाइज करते हैं हम प्रोटीन एंटीजन से, तो क्या होगा, तो ओनली प्राइमरी रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, करेक्ट है, क्योंकि वहां पे थाइमेक्टोमाइज है तो सेल्स अवेलेबल नहीं होंगे, टी सेल्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो वहां पे बाकी का रिस्पॉन्स नहीं होगा, वहां पे नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा कि अगर हम प्रोटीन एंटीजन को एक्टिवेट करते हैं, सो ओनली प्राइमरी रिस्पॉन्स टू द एंटीजन इज ऑब्जर्व, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया कि जो टी एंड बी सेल्स के पॉइंट के ऊपर पूछे गए थे, सो थैंक यू।